अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो है क्या करना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, और वो क्या है? वो है जी हमारा एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ओके जी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, और हम देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या, उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसका पूरा पूरा प्रोसीजर, और बिल्कुल एक कहानी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिसन करेंगे इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक्चुअली बैठ के थोड़ा सा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ठीक हो गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि आपने कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि आपने निकालनी है एक चीज़ किसकी मदद से? सॉल्वेंट की मदद से, और उसका नाम हमने क्या रख दिया है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ओके जी, बेसिकली होता क्या है कि हमने करनी होती है एक्सट्रैक्शन। अब हम इसकी कुछ इस तरह से पहले स्टोरी से नरेट कर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमने एक सोल्यूशन बना लिया है, सही, और उस सोल्यूशन के अंदर हमें पता है कि एक सोल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो सोल्यूशन हमने बना लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो गलती से चीनी को मिक्स कर दिया है पानी के अंदर, और आप चाहते थे कि मैंने नमक मिक्स करना था, चीनी मिक्स नहीं करनी थी, तो फिर आप क्या करना चाहते हो कि वो जो मैंने सल्यूट डाला है, जो आपने कम क्वांटिटी के अंदर सल्यूशन में डाल दिया, वो क्या होता है? सल्यूट। तो चीनी को आप दोबारा से निकालना चाह रहे हो सल्यूशन में से, सॉल्वेंट को लैदा करना चाह रहे हो, और जो चीनी है उसको लैदा करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? कोई ना कोई तरीका ढूंढोगे। तो जी केमिस्ट ने जो है वो ये तरीका ढूंढा है, उसने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो फाइंड की है, और इसके ज़रिए से हम सल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से, और विद द हेल्प ऑफ एन अदर सॉल्वेंट। अब उस जो हमने सेकंड सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है, जिसको मैंने अनदर सॉल्वेंट कहा है, इसकी मदद से हम सॉल्यूशन से निकाल लेंगे अपने सॉल्वेंट को, अपने सॉल्यूट को, उसके भी कुछ ना कुछ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, सही। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या। बेसिकली ये हमने क्या करना है, दिस इज अ सेपरेटिंग टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक है ये, थ्रू विच सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एडिंग अनदर सॉल्वेंट या सेकेंड सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ये ऐसी टेक्निक है, ये सेपरेशन टेक्निक है, जिसके जरिए से हम सेपरेट करते हैं सल्यूट को सॉल्यूशन से, विद द हेल्प ऑफ या बाय एडिंग अनदर या सेकंड सॉल्वेंट। और जो सल्यूट है आपका, जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, वो उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा हल हो सकता हो, ज़्यादा डिसॉल्व हो सकता हो, और एक करेक्टरिस्टिक उसकी ये भी होनी चाहिए कि वो जो आपका सल्यूट है, जो आपका सेकेंड सॉल्वेंट आप ऐड करोगे, वह सल्यूशन के अंदर मिक्स ना होता हो। ओके, तो ये है हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। जाहिर सी बात है कि अगर आपने जो सेकंड सॉल्वेंट ऐड करना है, जिसको आप इस मकसद के लिए ऐड कर रहे हो कि जो सल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर हल हो गया है, उसको सेपरेट कर लिया जाए, तो अगर वो भी जो आप सेकंड सॉल्वेंट डाल रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, वो भी अगर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा या उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो हम सॉल्यूट को कैसे सेपरेट करेंगे? सो ये भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए सेकेंड सॉल्वेंट की, कि ना तो उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल हो एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन जिसमें वो पहले से ही जो है वो डिसॉल्व है, और दूसरी उसके अगर से क्या होनी चाहिए कि वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स ना होता हो। ओके जी, सही, ये हमारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपको सेकेंड सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी, साथ में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की आपको मैंने आइडिया भी दे दिया कि टेक्निक है क्या, डेफिनेशन में आप ये भी चीज़ लिख सकते हो। ओके जी, और बुक पर भी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमारा जो मकसद है वो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, सही, तो हम वही करने जा रहे हैं।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसको मजीद क्लैरिफाई करने की तरफ. कैसे करेंगे? सही, ये हमारी होगी डेफिनेशन. अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दी सेकंड सॉल्वेंट के. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड सॉल्वेंट, एक करैक्टरिस्टिक क्या है के, करैक्टरिस्टिक एक क्या होता है कि सॉल्वेंट जो सेकंड सॉल्वेंट है वो लेस सॉल्युबल हो, मतलब के कांट सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल ना हो, उस सॉल्यूशन के अंदर खासतौर पर जिसमें से आपने सॉल्यूट को सेपरेट करना है. दूसरा ये कि इसमें सॉल्यूट शुड बी मोर सॉल्युबल, इसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए. ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम जा रहे हैं और वो क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसका जो है वो मेन करेक्टरिस्टिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का. जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम होना, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्यूट है जब हमने उसको सेपरेट करना सॉल्यूशन में से, जब आप उसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तो वो अपने आप को इस तरह से, एक ये फर्स्ट ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर पहले से सॉल्यूट है, ये सेकंड सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने जिसके ज़रिए से सॉल्यूट को हमने सेपरेट करना है, तो हम जब डालेंगे इस सॉल्यूट को इसके सॉल्वेंट को इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो इसमें सॉल्यूट है वो दोनों दोनों ही सॉल्वेंट्स के दरमियान में अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो उसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. से तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी जो है ये फॉलो करेगा हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक. उसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होती है, उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी में भी होती है. उसके बाद फिर हम चलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट पे. जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो उसका कोई ना कोई कॉफिशेंट भी होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट हमारे पास है के, और के किसके बराबर है, के बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सेकंड सॉल्वेंट, जो भी आपका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अच्छा, एक करैक्टरिस्टिक सेकंड सॉल्वेंट की ये भी दो हमने पहले बता दी. सही है, तीसरी करैक्टरिस्टिक ये तो ये जो है जी आपका जो सेकंड सॉल्वेंट है वोलेटाइल होना चाहिए. वोलेटाइल मतलब कि जो लो टेम्परेचर पे ही एवेपोरेट कर जाता हो, ऑर्गेनिक होना चाहिए. ऑर्गेनिक ही जो है अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है, जैसे कि मैंने चीनी के एग्जांपल दी, वो पानी में अगर आपने मिक्स कर दी है तो सॉल्वेंट जो सेकंड आपने ऐड करना है सेकंड सॉल्वेंट वो ऑर्गेनिक होना चाहिए ताकि वो पानी के अंदर मिक्स ना हो और हमारे जो सॉल्यूट है उसको ईजिली सेपरेट आउट कर दे. सही, जब हम उसको शेक करें तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, वोलेटाइल होना चाहिए यानी कि ऑर्गेनिक होना चाहिए और आपके सॉल्यूशन के अंदर वो मिक्स नहीं होना चाहिए. तो तीन करैक्टरिस्टिक्स होगी हमारे सेकंड सॉल्वेंट की. ओके जी, तो हमने कॉफिशन को भी देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन को जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशन यानी कि क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द एक्वस फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो है ना दोनों के दरमियान ऑफ द सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक फेज. ओके जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक फेज. तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स. उसके बाद हम चलते हैं अब किसकी तरफ, अपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की तरफ. ये हमने देख लिया जो इंट्रो. सही हो गया. ओके जी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है, इसमें हम लोग अब डायग्राम को देखेंगे. ज़ाहिर सी बात है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटस तो ज़रूर यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमने पहले जो है फिल्ट्रेशन देखा, उसके लिए भी जो है हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे होती हैं और सारे का सारा ऑपरेटस. उसके बाद फिर हमने सब्लिमेशन भी देखा, फिर क्रिस्टलाइजेशन भी देखा, उसमें भी जो है वो ऑपरेटस इस्तेमाल होता है. तो ज़ाहिर सी बात है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी ऑपरेटस इस्तेमाल होगा और वो कुछ डिफरेंट तरह का होगा. अब जाहिर सी बात है बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन से क्यों नहीं कर ली. तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ का एक अलग अलग प्रोसेस है,
उसी को हमने फॉलो करना है कि अगर हम एक तरीके से दूसरी ही चीज़ को भी करने बैठ जाएंगे तो ना तो वो अच्छे तरीके से होती है और ना ही दूसरी। और क्योंकि हमारे यहाँ पे केमिकल्स जो हैं या जो भी आपके पास मिक्सचर है उनकी अपनी अपनी नेचर है, और हो सकता है कि कुछ क्रिस्टलाइजेशन से जो हमारा सोल्यूट सेपरेट नहीं हो सकता, तो हम उसको जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट कर लें और हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सोल्यूट मिल जाए। यही वजह होती है कि थोड़े डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर लिए जाते हैं, अदरवाइज़ एक प्रोसेस को फॉलो करना जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, ताकि हमारा जो प्रोसेस हमें जो हमारा रिक्वायर्ड मकसद है सल्यूट को सेपरेट करना वो अच्छे तरीके से फॉलो हो जाए। ओके जी, तो यहाँ पे हमने ली हुई है एक सेपरेटिंग फनल, पत्ते की फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। यहाँ से हमने स्टॉपर से इसको बंद किया होता है इस तरह से, ठीक है। बहुत प्यारी सी है ये, हंसना नहीं है आपने बस। और ऊपर से भी हमने जो है इसको स्टॉपर से इसका जो है वो मुंह बंद किया होता है। मुंह यानी कि ये होती है एक तरह से सेपरेटिंग फनल, इसका नाम भी सेपरेटिंग फनल है। तो इसमें जब आपने क्या करना है, अपना एक सोल्यूशन डालना है सबसे पहले, जिसने से भी आपने सोल्यूट को सेपरेट करना है वो पहले हमने डालना है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया अपना एक्वस सोल्यूशन, वो डाल दिया, और इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन से शो कर देती हूँ। ये हमारा सारे का सारा जो है वो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक हो गया। ऐसे सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने डाल दिया, ओके। ये अभी ओपन है इसका ढक्कन जो है। उसके बाद फिर हम चाह रहे हैं कि हम कोई सेकंड सॉल्वेंट ऐड करें, जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख ली हैं कि वो जो है वो वोलेटाइल होगा, ऑर्गेनिक होगा, ये जो एक्वस सोल्यूशन है इसके साथ वो मिक्स नहीं होगा, और इसके अंदर जो सोल्यूट है वो उस सेकंड सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक। तो हमने डाल दी यहाँ पे, क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे आप कोई भी ऑर्गेनिक बेंजीन यूज़ कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो, बेंजोइक बेन क्या उसको बोलते हैं, कौन कौन से आप लोग जो है वो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको ऑर्गेनिक अवेलेबल है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। CCl4 इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद ईथर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक हैं, ओके। हमने कोई भी उनमें से जो है वो सेकेंड सॉल्वेंट ऐड कर लिया, उसको मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन से शो कर देती हूँ इस तरह से। कलर भी हम डिफरेंट कर लेते हैं, आई होप सो कि आपको कलर भी नज़र आए। इस तरह से नेगेटिव साइन शो कर रहा है हमारे सेकंड सॉल्वेंट को, ओके। फिर हमने क्या करना है, इसको कर देना है बंद। क्यों इसको बंद करना क्यों ज़रूरी है, बंद करना हमने नीचे से भी उसको बंद करना है, ऊपर से भी बंद करना है। नीचे नीचे से इसलिए कि एक्वा सोल्यूशन नीचे से लीक आउट ना हो जाए, और ऊपर से बंद इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है और हमने हमें पता है कि वो वोलेटाइल है, यानी कि वो अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाएगा, सही। तो इसलिए जो है आपने अक्सर देखा होगा जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, अगर तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर जाके, तो उन्होंने देखा होगा कि ईथर है, ईथर जो है वो केमिकल्स पड़े होते हैं लैब के अंदर, तो अगर आप वहाँ पे आपको ईथर मिल जाता है इस तरह से, कोई भी ऑर्गेनिक मिल जाती है वहाँ पे केमिकल, तो अगर आप उसका ढक्कन खोल दोगे थोड़ी देर के बाद वो खुद ही जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बंद करना ज़रूरी है सेपरेटिंग फनल को, और आपने इसको हवा में नहीं छोड़ देना। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से स्टैंड के साथ अटैच किया होगा, ओके जी। यहाँ से आपने इसको क्या किया होगा, स्टैंड के साथ यहाँ पे आपने इसको अटैच किया होगा, तभी आप इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन डालोगे और तभी आप इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालोगे, सेकंड सॉल्वेंट जिसके अंदर आपका सॉल्यूट ज़्यादा मिक्सअप होगा। फिर अब आपने क्या किया, जब इसकी एडिशन हो गई, आपने इसको हाथ में पकड़ लेना है, क्योंकि स्टैंड में लगा लगा तो यहाँ पे शेकिंग नहीं होगी। मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे शेकिंग का, कि हमने सेपरेटिंग फनल को जब हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, फिर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी डाल दिया जिसको हम सेकंड सॉल्वेंट कह सकते हैं, डाल के उसको अच्छे तरीके से शेकअप किया, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने उसको जो है वो शेकअप किया, तो फिर क्या होगा, फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से वापस आप उसको देखोगे, या हाथ में पकड़ के देख लो या हैंग अप कर दो दोबारा से, फिर आप देखोगे कि जो आपका सल्यूट होगा ना वो दोनों ही फेजेस के दरमियान, ये एक्वस फेज और ये ऑर्गेनिक फेज के दरमियान में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इक्वली। फिर एक टाइम आएगा वहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट, जो कि हमने के आपको मैंने बता दिया, सही। उसके बाद फिर हमें जो है, हमें तो चाहिए जी हमारा सल्यूट, और वो हमें इस ऑर्गेनिक लेयर में मिलना है, तो फिर क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये आपका सल्यूट सारा का सारा जो है वो इस ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट के साथ जाके मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाएगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। अब हमें जो है वो क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपने अपने एडिशन की, सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ठीक है, फिर हमने थर्ड स्टेप के अंदर इसको क्या किया, शेक किया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करने लगे हैं, जब हमने शेक कर लिया तो सॉल्यूट जब मेकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके वो मिक्सअप हो गया, तो हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर इनकी सेपरेशन करनी है। सेपरेशन की, सेपरेशन कैसे करनी है कि आपने यहाँ से नीचे से स्टॉपर हटाना है, एक्वस सॉल्यूशन को आप नीचे से निकाल लेंगे, यानी कि जो भी आपके पास एक्वस लिक्विड बच गया है, वाटर बच गया है, उसको आपने यहाँ से निकाल लेना, फिर दोबारा से आपने इसको बंद कर देना। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचेगा जिसके अंदर आपका सॉल्यूट है, और आपको पता है कि अगर आप उसको थोड़ी देर ओपन छोड़ोगे तो आपका जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है वो उड़ जाएगा और पीछे आपके पास प्योर सॉल्यूट रह जाएगा, और इस तरह से आपका जो सॉल्यूट है वो आपको दोबारा से रिकवर हो जाएगा। और इसी टेक्निक का नाम होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एंड आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा है और बहुत ही ईजी सा था। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, ये तो मैंने आपको जनरल बताया ना, यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपके बुक पे आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है और इसके अलावा दी हुई है ईथर एक्सट्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है ईथर, सही, और आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा लिया है, वो आपने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कोई सॉल्यूशन सही, आपने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, फॉर एग्जांपल नमक का ले लो, सही है, नमक का बना लिया सॉल्यूशन, या आपने जो है वो चीनी का बना लिया सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आपको चाहिए ना, तो कोई भी सॉल्यूट आप इस्तेमाल कर लो, तो आपने उसको जो है वो सेपरेट आउट ही करना है। एक्वस सॉल्यूशन आप कोई सा भी ले लो, एक्वस का मतलब है उसमें पानी लाजमी होना चाहिए, कोई भी आप सॉल्यूट उसमें ऐड कर दो, और उसको जो है वो आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ हो वो आपने डाला, और यहाँ पे आपने ईथर डाला, जैसे ही आप इसको शेकअप करोगे तो ईथर में आपका सॉल्यूट निकल के जाके डिसॉल्व हो जाएगा और नीचे जो है वो पानी रह जाएगा, पानी को आप सेपरेट आउट कर लोगे, ऊपर से जब आप, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूट रह जाएगा, तो फिर आप जब इसको ओपन अप करोगे नीचे से बंद होगा तो ईथर भी उड़ जाएगा और नीचे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट बच जाएगा, और आपका जो सॉल्यूट है वो रिकवर हो जाएगा। उसको कहा जाता है ईथर एक्सट्रैक्शन, सही हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल ठीक है, क्योंकि दूसरी एग्जांपल भी सेम टू सेम इसी तरह से होगी, उसमें जस्ट डिफरेंस है CCl4 वाला जिसमें आयोडीन की है, तो उसमें जस्ट कलर्स का है कि आपके जो सॉल्यूट हैं उनके कलर्स होंगे और बस आयोडीन का, ठीक है जी। उसके अलावा तो सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। एंड आई होप कि आपको लेक्चर ईजी लगा है, कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उसको रिवाइंड करके देख लो, और ईजी सा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल ही एक कहानी की तरह से, और हेडिंग अगर आप बना के लिख दोगे जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग लगा के दिखाई हैं तो और भी ज़्यादा जो है वो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन होगा और आपको अच्छे मार्क्स लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए।